तो नानी जी बढ़िया बेस्ट देखो यार नानी जी कितने टिप टॉप रहते हैं ना। हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ और मैं आई हूँ चौपाल अक्षय भैया के घर। तो यहाँ पे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी मुझे कैसा लग रहा है सबसे मिलकर, नानी से मिलकर। मासी है, मामू है, मामी है और ध्रुव है, अक्षय भैया है। तो चलो बताते हैं आपको। तो गाइज जैसे अंजना ने बताया कि वो आई है अक्षय भाई के विलेज मतलब मेरे मामू के घर, और यार यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है अंजना को, और अंजना बिल्कुल मेरे साथ ही है। दिखाता हूँ। हाँ जी अंजना, आ रहा है मज़ा बहुत सारा। और मैं नानी से भी मिली हूँ, नानी के साथ बताऊँगी कैसे। हाँ अभी नानी से भी मिलवाएगी अंजना आपको, तो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाना चाहता हूँ। मैं यहाँ खिड़की के पास बैठा हूँ और यहाँ पे क्या अल्टीमेट व्यू आता है। व्यू बढ़िया, बादल आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वी आर इन हेवन। और बादलों के बीच ये पहाड़ इतने अच्छे लग रहे हैं, वाओ ऑसम। तो लंच टाइमिंग है, मामी जी ने चावल बनाए हैं और चटनी भी है। अक्षय भैया है, उधर नानी है। नानी लंच कर लो, नानी के घर में मैं नानी को बोल दूँ लंच कर लो। मेरे को भी नहीं दिया। अभी मैं दूंगी। नहीं नहीं अंजू धो लेगी। कोई कोई दे दूंगा, कोई दे दे। ये मैं आज मामू के घर आई हूँ, मामू ने बुलाया था और मैं आई थी। मामू हाँ बेटा। तो मामू ने मेरे को एक टास्क दिया है। क्या है मामू के हाथ में? मामू का ये है कि मामू के कांटा गया है, छोटे छोटे कांटे हैं। तो मामू बोले कि टास्क है कि ये निकालना है। मतलब तुझे अपने स्किल्स दिखाने हैं पेन कर रहा है इनडायरेक्टली। अच्छा कांटा टूट गया था, बगीचे में गया था काम करने। तो उसमें कांटा घुस गया मेरी उंगली में। तो मैंने ये वाला है ना, हाँ। अंजू को बोला, मैंने कहा तू हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, तेरे हाथ में परफेक्शन होगी और इस परफेक्शन का पूरा इस्तेमाल कर इस कांटे को निकाल। चलो ठीक है डॉक्टर साहब। हाँ जी मैडम, ये डॉक्टर साहब आगे है यहाँ कांटे कुंटे निकालने, अगर ऐसा ना निकाले कहीं के हैं कांटे। अभी पता लगेगा। मेरा चैनल है, आप शुभकामनाएं दो मेरे को भी। हाँ शुभ तेरा तो है, जब तेने बना रखा है तेने अच्छा काम किया है बेटा। ये पहली बार तो तेरे को पता नहीं था। जब नानी खुश है मतलब इस बात से। और चलो बस 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 यही चाहिए यही चाहिए। चल तू अभी मामू के कांटे निकाल, फिर देखते हैं। ये दिया अंजना को टास्क। हाँ जी टास्क मिल गया, अब सुई से ये निकालना है इसको। तूने बैठ के तो नहीं कांटा? नहीं 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 कुछ नहीं, अपना तो लेफ्ट हैंडर है। लेफ्ट हैंडर हूं। लेफ्टी है पूरी। नहीं निकल गया। निकल गया? हां निकल गया। वाह लो जी फाइनली निकल गया है कांटा। दर्द हुई मामू थोड़ी बहुत? नहीं बड़ा परफेक्शन के साथ निकाला। अच्छा सफाई के साथ और बिना दर्द के। सही बात है, रियली बहुत ही बढ़िया तरीके से अंजना ने निकाला है। और भी है? नहीं एक ही था ये मेरे ख्याल से बस। चलो और बहुत छोटा था ये, जो विजिबल भी नहीं था, विजिबल है ना, बिल्कुल छोटा था। और थैंक यू अंजना। कांटा निकालो कंपटीशन। कांटा लगा हाई लगा। बहुत बिल्कुल था, डीप था वो, बिल्कुल डीप था, छोटा सा था। मेरा बता दी मेरे को। अब क्या चाहिए आपको? मेरे को चाहिए अंजू का नंबर। अंजू तेरी अंजू। हाँ मेरी क्या है क्या है की धोती धोती धोती। हाँ जी मेरे को चाहिए नंबर। नंबर आप मेरे को फोन ही करोगे? अब फोन से पूछूंगी क्या कर रही है तू, गलत काम करेगी तो मेरे को बताना, फिर अच्छा काम करेगी तभी मेरे को बताना, फिर मैं इसकी खबर लूंगी। अगर मेरे को अगर मेरे को इसकी खबर देनी है फिर तेरे को खबर दूंगी। अगर गलत होगा सही होगा, अगर तू करेगा तेरे काम के। चलो नंबर एक्सचेंज कर रहे अभी नानी और अंजू। नानी के फोन में सेव कर दिया हमने अंजू का नंबर। अब अंजू को नानी कॉल कर पाती है कि नहीं, लेट्स सी। नानी जी आ गया जी कॉल। नानी जी क्या बात है भाई, एडवांस है मान गए। इतने ओल्ड एज में हो के भी नानी ते हिट फिट है, फटाफट ना उन्होंने ये स्टेयर्स फटाफट चढ़ ली है। अरे यार
भाई तेरे को पता नहीं है नानी कितने फिट है, मतलब ना यार शी इज जस्ट अ वेरी गुड इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ द गर्ल्स और जितने भी लोग हैं ओल्ड एज पीपल स्पेशली। देखो यार बहुत हिट फिट है ये, और इतना काम करते हैं ना ये, बहुत ज्यादा। नानी हाय कर दो, अच्छे लग रहे हो। क्या बात है, मतलब ऊपर पहुंच गए नानी इस सीढ़ी से। ये तो शिमला में भी वैसे ही चढ़ जाते हैं सीढ़ियों में, मुझे सुबह सीढ़ी है ना वाले की छत पर। अच्छा मामी जी क्या बात है, नानी की डिमांड देख रहे हो आप। मम्मी नहीं चढ़ सकते ना इससे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, नानी को बुलाया जा रहा है, बुलाया भी किसको जा रहा है, नानी को। वो मैं खतरनाक बात थी, मान गया यार नानी आपको। मैं ऐसी बंदा जाऊंगी ओल्ड एज में नानी जैसे, तो उसके लिए काम करना पड़ता है। बिल्कुल अंजू तो ना यहाँ पे बैठ गई है, बिल्कुल उठ जा। कैसा लग रहा है देखो? बहुत अच्छा लग रहा है, आ रहा है मजा? आ रहा है मजा, मजा आना चाहिए यार। मतलब तेरे गुठान में इतनी सब्जियां तो नहीं होगी? होगी, मेरे गुठान में भी है इतनी ही सब्जियां। अच्छा इतनी है? ये देख राइस इतनी फसले टूट गए सारे पौधे, सारे कुछ पता नहीं। बहुत साइज भी देखना इसमें और झड़ने को हो रहा है, एक तो बड़ा जैसा सेब है। नानी पूरे बगीचे की सैर करवा रहे हैं हमें, बहुत बड़ा बगीचा है इनका, बागवानी करते हैं ये भी। बागवानी वो क्या होता है? बाग की सेवा। अच्छा इसको पता ही नहीं है नानी, देखो इसको पता ही नहीं है। कुछ पौधों में नहीं भी लगे ऐसा, हाँ किसी में है नहीं है। और देखो यार कितने हिट फिट है, कैसे चलते हैं यार जल्दी जल्दी, है ना? सही बात है भाई, बहुत चलूंगी। अच्छा तो फिर एक बात बता, फिट तो मैं हूँ, थोड़ा हिट बनना है। हिट नहीं, एक बात बता अंजना। हाँ क्या बोलते फिर तू, इतनी अगर अपने आप में कॉन्फिडेंस मतलब जगा रही है तो चूड़दार ट्रैक कर लेगी हमारे साथ? फॉर श्योर, लेट्स सी अंजना हमारे साथ चूड़दार ट्रैक करेगी कि नहीं। अभी तो नहीं, एक दो महीने बाद हमने प्लान करना है, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। करेंगे, अभी बहुत कुछ है जो आपको बताना है, आपको दिखाना है, बस हमारे साथ बने रहे। अब जितना बने रहोगे ना उतना कनेक्ट रहोगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबके साथ कनेक्ट रहूँ। मेरी लाइफ में जो भी चल रहा है वो मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आपको बताऊँ, तो वही मैं कर रही हूँ। तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को आप शेयर सब्सक्राइब करो, मेरी भी होप बनी रहेगी और मैं भी उतना आपके लिए और नया नया कुछ बनाती रहूँगी। तो प्लीज़ अंजना ठाकुर के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जितना कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड्स को भी बोल सकते हो प्लीज़ कर लो सब्सक्राइब। जोर से भी बोले, बाकी मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ, मुझे बहुत लोगों का आ रहा है कि आप जोर से नहीं बोलते हो। मेरी ना जो मैं बोलती आराम से हूँ, पर अब मैं ना अपनी मतलब कम्फर्ट जोन से ज़्यादा हटके कि मुझे लाउडली बोलना है, और मैं ट्राई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे बस देख लेना, थोड़ा टाइम लगता है भाई खुद को चेंज करने में, तो मुझे भी लग रहा है, तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं बहुत ज़ोर से बोलूँ। टकरा चुके हो तो क्या क्या बोलते हैं? धार। अभी हम आए हैं धार, अली ने पूरा विलेज घूम लिया है और अब हम यहाँ धार पे आ गए, तो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। तो नानी जी बढ़िया बेस्ट। देखो यार नानी जी कितने टिप टॉप रहते हैं ना, सेम दाठू जैकेट सलवार सूट बढ़िया। ऐसा ही है बेटा, बकाई के बढ़िया रहना, हमने तो भैया सिर्फ शरीर ढकना है। नहीं नहीं यार नानी आप तो बढ़िया, यहाँ क्या बन रहा है नानी? नीचे ये ग्राउंड भी ग्राउंड ऐसे सिंपल ग्राउंड की कुछ ऐसे पता नहीं, ऐसे ही फूटा हुआ है इनका ग्राउंड का फैशन तो है ना, ऐसे ही है बच्चे आते हैं बेकार। बढ़िया है, देखो भाई नानी बहुत हिट फिट है अभी भी ओल्ड एज में, तो मतलब जितने भी हैं जैसे घर में रहते हैं कि भाई बुजुर्ग है काम नहीं कर सकते, तो वो इनसे सीखे, ये बहुत काम करते हैं, बहुत हिट फिट रहते हैं, काम करना इनको बहुत अच्छा लगता है ना, इनको लगता है कि काम करके बंदे स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं सब, ये तो सबको मैं बोलती भी हूँ, मैं भाई ऐसे ना भी ऐसी जवानी में थकना थकना नहीं बोलना भाई, ऐसा है ना आजकल तो भाई बच्चे काम नहीं करते ऐसे ही हो जाते, फिर बिल्ले हो जाते बेचारे बेकार,
बच्चों को तो सिखाना चाहिए ना थोड़ा बहुत, क्योंकि भाई बच्चों को आगे कहीं धक्के ना लगे। वही तो हाँ। इतना मतलब एक्टिंग हाँ। सब कुछ इनसे ही सीखा है, ब्लड से हाँ। सब कुछ हाँ। नहीं बच्चे मेरे सब बड़े, अपने बच्चे भी बेचारे अब दो तो रिटायर हो गए मेरे बेटे ना, तो वो भी बेचारे अब सारा काम बाग का बगीचे का हर एक काम करना, अरे परे जहाँ भी कुछ करना सारा कुछ करके दिखाते हैं। दो अब रिटायर होने वाले हैं, उम्र इतनी लंबी है मेरी, बहुत उम्र हो गई अभी तो सबकी, आगे पोते धोते की शादी हाँ, देखनी है नानी। पोते धोते भी बड़े हो गए अब तो, पोते धोते से भी फारिग हो गए, वैसे हो गए बड़े बड़े सारे बच्चे। अब ये मेरी धोते की धोती बन रही है हाँ? अंजना इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा, कहाँ से पहुंच गई मेरे पास बेचारी, देखो है ना इतना प्यार से, कितने इससे अच्छा लग रहा मेरे को भाई, देख ले भाई कहाँ आ गई मिलने, है ना, तो अच्छा लगता है बेटा। बाकी कुछ नहीं है, यही है इंसानियत होनी चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है, पैसा है कुछ ना हो रहे कुछ आदमी को पहचान होनी चाहिए, कहाँ से क्या करना, कहाँ से क्या करना। और हमारी बड़ी फेमस नानी, इनसे मिलने तो तरसती है दुनिया, इनसे मिलने के लिए, तो मैं क्यों छोड़ देती इतना बड़ा मौका, तो बस मौका दस्तूर आज, बस 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 यही है, बाकी कुछ नहीं है हमारे को, नहीं है कोई ऐसे कुछ नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है कभी कोई जरूरत है कोई, ऐसा ईश्वर ने दिया हुआ है, सब बढ़िया है, बढ़िया सब बढ़िया, सब सब कुछ राजी खुशी रखे भगवान सबको। तो गाइस आज तो बहुत बहुत एंजॉय कर लिया नानी के साथ, मासी के साथ, ध्रुव, अक्षय भैया, मामू, मामी, है ना, तो ये मस्ती आगे भी चलती रहेगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक्साइटेड व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और देखते रहे अंजना ठाकुर के व्लॉग, तब तक के लिए ओके टाटा बाय बाय।